हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि विज्ञानपुर। विधि विज्ञानपुर में आपका स्वागत है। सो बच्चों, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ये सीबीएसई के लिए भी है और आपकी आरबीसी बोर्ड के लिए भी है। सो बच्चों, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 ऑन वेक्टर अलजेब्रा। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर एडिशन। उससे पहले हमने वैक्टर कैसे ऐड करते हैं हमने वो भी देखा था। फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखा था कि चाहे आप ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर करें या फिर आप बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर करें, दोनों ही एक ही बात होती है। दैट मीन्स ये कौन सा लॉ होता है हमारा, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड थिंग बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड कि आप तीन वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किनको पहले कर रहे हो किनको बाद में कर रहे हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, सो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जो आपका जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी वेक्टर। इसके बाद वी हैव डिस्कस्ड, देखो बच्चों, आपके एग्जाम में ये से पूछ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, और आपको नीचे ऑप्शंस दे देगा कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको कुछ ऑप्शंस और बना के दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला मेरा फुलफिल करना चाहिए फॉर एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड एडिटिव इनवर्स। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर कोई मेरा वेक्टर ए वेक्टर है तो उसका फिर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए वेक्टर विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। सो इतनी सब बातें हमने पढ़ लिया था। और बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट योर लाइव क्लासेस, जिसमें हम लोग आरबीएससी वाले जितने भी आपके एक्सरसाइज है ना, उसको हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है ये आइडिया, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं फिर उसको फॉलो करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ओनली आरबीएससी वाले, ठीक है, जो आपकी आरबीएससी की जो एक्सरसाइजेस है ना, उनको हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी मेरा कंसेप्ट है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस है, उसकी मैं वीडियो अपलोड करके दूंगा, ठीक है। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम उसको फॉलो करेंगे। चलिए, तो आज फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वी विल डिस्कस कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मतलब कि मेरे पास कोई वेक्टर है, उसको मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपका i कैप क्या है, या फिर ऐसे करो, फिजिक्स में लेके चलता हूं आपको। तो फिजिक्स में आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सो बच्चों, मान लो कि हमारे पास कोई फोर्स है, हमारे पास कोई फोर्स क्या मान लेते हैं हम लोग 6 न्यूटन है, ठीक है। हमारे पास कोई फोर्स है 6 न्यूटन, ये भी काम नहीं करेगा। मान लो फोर्स है हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों, ये क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब मुझे इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज कोई मेरा स्केलर है लैम्डा, तो मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, लैम्डा इंटू एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अभी इस बात को मैं और ध्यान से आपको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे बेटर रहता कि मैं उसको कंपोनेंट फॉर्म में बताता, बट वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जा सकता, ठीक है। सो बच्चों देखिए, हम लोग मानते हैं कि लेट ए बी एनी वेक्टर, लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर एंड लैम्डा इज ए स्केलर, ठीक है, लैम्डा इज ए स्केलर। अब बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ लैम्डा, द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ लैम्डा
इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर विथ स्केलर लैमडा। वही बातें हैं, कुछ नया नहीं बताया मैंने, सेम वही बातें हैं, हमें बस ठीक है। मैंने माना कि ए हमारा कोई वेक्टर है और लैम्डा हमारा कोई स्केलर है, तो बच्चों अगर मैं लैम्डा और ए का जो प्रोडक्ट करूंगा ना, तो वही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, या फिर सिंपली ऐसे बोलो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर विथ स्केलर लैम्डा। ठीक है, अब बच्चों बात करता हूं कि इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसको आप डिनोट कैसे करोगे। तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं हम कि इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा इनटू ए वेक्टर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा इनटू ए वेक्टर। ठीक है, लैम्डा क्या है मेरा, स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, लैम्डा इज स्केलर। स्केलर का मतलब है ये आपका इंटीजर हो सकता है, ये आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो लैम्डा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, यहां तक इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, लैम्डा इनटू ए वेक्टर से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो बच्चों मुझे ये बात बताओ अब कि जो आपका लैम्डा इनटू ए वेक्टर जो आएगा, ये मेरा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, फटाफट बताओ, ये मेरा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। मतलब कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बच्चों वो क्या होगा आपका, वो आपका वेक्टर होगा कि स्केलर, वो आपका स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। बोलिए वो क्या होगा, मेरा वेक्टर होगा। कैसे, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी है ना, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने। अब बच्चों जरा ध्यान से बताओ, मास क्या है मेरा, एक मास इज ए स्केलर। वेलोसिटी क्या है मेरा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, मोमेंटम क्या होता है आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों यहां से क्या देखा कि अगर मैं एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, मुझे एक वेक्टर मिलता है, कि व्हेन आई मल्टीप्लाई ए स्केलर विथ ए वेक्टर आई गेट वेक्टर। ठीक है, तो यही बात मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अगर मैं एक लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ए वेक्टर से, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे लिख लो कि लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा मेरा पिछली वाली वीडियोस देखी होगी, तो बच्चों ए वेक्टर और लैम्डा ए वेक्टर में कैसा रिलेशन होगा, ए वेक्टर एंड लैम्डा इनटू ए वेक्टर में कैसा रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, ये दोनों वेक्टर्स है ना आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जरा चेक करो, देखो अगर मान लीजिए मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 2 है ना, तो बच्चों क्या बनेगा कि एक तो मेरा ए वेक्टर बन जाएगा, दूसरा ए वेक्टर ऐसे बनेगा, है ना, ए वेक्टर इनटू 2 ए वेक्टर। अब आप इसको ड्रॉ करो, तो बच्चों मान लेता हूं ये मेरा ए वेक्टर है, अब 2 ए वेक्टर ये भी आपका ऐसे ही होगा, है ना, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, डायरेक्शन सेम है ना दोनों की। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, देखिए बच्चों कि जो आपका ए वेक्टर और 2 ए वेक्टर दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है। तो मैंने एक बात यहां पे ये पता कर लिया कि जो आपका लैम्डा ए वेक्टर है ना, वो एक वेक्टर है और वो आपका कोलिनियर है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। समझ आ रहा है, यही देखो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू बच्चों -1 ले लेता हूं, तो देखिए क्या बनेगा, फिर मेरा लैम्डा ए वेक्टर बन जाएगा मेरा माइनस ए वेक्टर, और मेरा एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, अच्छे से पढ़ा हुआ आपने कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कैसे होते हैं, ये मेरा मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मेरा माइनस ए वेक्टर है, तो दोनों कैसे हैं ये आपके, दीज टू आर कोलिनियर, कोलिनियर है ना, ये है कोलिनियर, ज्यादा कोलिनियर वेक्टर क्या कौन से होते हैं,
कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. पढ़ा है ना. तो बच्चों जो हमारा लैम्डा ए वेक्टर और ए वेक्टर में रिलेशन है वो कैसा है, दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के कोलिनियर है. ठीक है. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर एंड कोलिनियर कोलिनियर टू वेक्टर ए. ठीक है. धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं. पहले मैंने बताया कि लैम्डा आपका कोई स्केलर है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप एक स्केलर को प्रोडक्ट कर लो एक वेक्टर के साथ, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. उसके बाद मैंने बताया कि बच्चों जो हमारा लैम्डा इंटू ए वैक्टर है ना, वो भी एक वैक्टर ही होता है. उसके बाद मैंने बताया कि आपका जो ए वैक्टर और लैम्डा ए वैक्टर है उनके बीच में रिलेशन कैसा है, दोनों कैसे हैं, आपके कोलिनियर है. ठीक है, कोलिनियर है. अब बच्चों मैं बात करूंगा कि अब मैं बात करता हूं इसकी डायरेक्शन की, कि क्या आपका लैम्डा ए वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी या फिर ऑपोजिट होगी, बताइए जरा, डिस्कस करें इस बात को. वैसे आपको अंदाजा लग गया होगा कि देखिए बच्चों जो आपकी लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, द डायरेक्शन ऑफ लैम्डा ए वेक्टर मे बी सेम और ऑपोजिट टू, मे बी सेम और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मे बी सेम और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो आपका लैम्डा ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी या फिर ऑपोजिट होगी. मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जब मैं लैम्डा की वैल्यू -1 ले लिया था ना, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो रही थी, ऑपोजिट हो रही थी. और जब मैंने लैम्डा को पॉजिटिव रखा तो डायरेक्शन दोनों की सेम हो रही थी. तो बच्चों आपकी जो डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, वो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है. और कैसे डिपेंड कर रही है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं. देखिए कि इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन लैम्डा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन. ठीक है ना. एग्जाम्पल मैंने आपको यहां डिस्कस किया था ना, समझ आ गया. अब बच्चों देखिए इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन लैम्डा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस. मतलब कि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो बच्चों मेरा माइनस लैम्डा ए का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा. अगर लैम्डा मेरा नेगेटिव हो तो ऐसे होगा, अगर पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही होगा. ठीक है, आ गया समझ. अब बच्चों लास्ट बात हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कैसा होगा इसका, है ना, कि जो आपका लैम्डा ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा. ठीक है. सो डायरेक्शन की बात कर ली, यहां तक क्लियर है आप लोगों को. ठीक है. अब बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड की बात करता हूं. एंड देखो थ्योरी है, हालांकि इसका क्वेश्चन सोल्व करने में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन इसके बिना भी कर सकते हो, बट आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना. मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है. क्वेश्चन आप इसके बगैर भी कर सकते हो, बट अगर आपको जब तक थोड़ा डीप में नॉलेज नहीं होगा तो रट के पास होना वो अलग बात है ना, बट आपके पास नॉलेज नहीं आ पाएगा. इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रहा हूं. ठीक है. तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. आ गया समझ. लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो बच्चों
देखते हैं इसको, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड होगा, याद है ना मैग्नीट्यूड ऐसे शो करते हैं ना, लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल होगा, मेरा लैम्डा इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन करना है, करूं इस बात को एक्सप्लेन। देखिए थोड़ा सा आपको एक बार अज्यूम कर लो, है ना, या फिर आप ऐसे मान के, तो देखो मान लीजिए कि मेरा पास कोई ए वेक्टर है 3i कैप + 4j कैप। ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आपको याद होगा ना कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। ठीक है यहां तक। अब बच्चों मान लीजिए मुझे 2a वेक्टर निकालना है, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 2a वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 क्या है, आपका एक स्केलर है ना, ये कंप्लीट भी क्या होगा मेरा स्केलर ही होगा। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मैं 2 × 3i कैप + 4j कैप, तो दिस विल बी इक्वल टू 6i कैप + 8j कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड देखिए, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। अब जरा इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर मैं एस्टेब्लिश करना चाहूं, तो बच्चों क्या रिलेशन है कि 2a वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 2 times a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये 2 क्या है आपका, 2 आपका वही लैम्डा ही तो है, ये वाला, यही है ना, आ गया समझ में। तो बच्चों मैंने इस बात को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए अब एक बात और, अगर मैं लैम्डा क्या मानता हूं, -2 मानता हूं, तो क्या होगा फिर, यहां पे -2 होगा, यहां पे फिर मेरा -6i और फिर मेरा यहां पे -8j कैप। सो यहां पे -2a कैप कितना बनेगा फिर मेरा, -6 का स्क्वायर + -8 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही वैल्यू आएगी। तो फिर से हमारा क्या बनेगा कि माइनस ऑफ, या फिर आप ऐसे करो कि माइनस ऑफ 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -2 का मैग्नीट्यूड इनटू दिस। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, मतलब मुझे यहां पे क्या लेना है, उसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो मेरा स्केलर है ना उसका मॉडुलस लेना है ना, क्योंकि यहां पे स्केलर क्या था मेरा, -2 आया था, बट मुझे यहां पे इसका मॉडुलस लेना, तो बच्चों क्या लूंगा मैं, 2 लूंगा। सो 2 × 5 चेक कर लो, सेम है ना, आ गया समझ, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये आपको रिलेशन ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा मेरा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, अगर लैम्डा मेरा नेगेटिव है तो डायरेक्शन एक दूसरे से ओपोजिट होगी। इसके बाद हमने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो बच्चों उसका मैग्नीट्यूड होता है वो मॉडुलस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होता है। ठीक है, सो लैम्डा ए वेक्टर, जैसे कि मान लीजिए हमें ये निकालना है कि, ठीक है, तो बच्चों आप क्या लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू 1/2, इसको आप यूज करोगे, ध्यान से देख लो, इसको आपको क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि माइनस का 1/2 ए वेक्टर होता तो ये क्या बन जाता है मेरा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 × a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ये ध्यान रखना है। और ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर, आर कोलिनियर टू ईच अदर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। देखिए सो बच्चों मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, और अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से, और हमारा स्केलर क्या मान लेता हूं मैं, -1/2 स्केलर मान लेता हूं। ठीक है, मैं लैम्डा की वैल्यू क्या मानी है, -1/2 मानी है। तो बच्चों क्या बनेगा फिर मेरा, -1/2 a वेक्टर ये बनेगा ना। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ओपोजिट होगी ना, क्योंकि यहां पे मैंने स्केलर कितना लिया है, माइनस का लिया है, तो डायरेक्शन इसकी ओपोजिट होगी। और बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 1/2 times हो जाएगा, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है ना उसका 1/2 हो जाएगा।
तो मैं इसको इससे हाफ में ही ऐसे शो करूंगा। तो बच्चों दिस इज आवर माइनस हाफ ए वैक्टर, आया समझ में? जो आपकी लेंथ होती है ना वैक्टर की, द लेंथ ऑफ वैक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैक्टर। मैंने बताया था क्या आपको कि जो आप लेंथ बनाते हो ना इस वेक्टर की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या है, ये इसका हाफ टाइम्स कम है, कम है ना। अरे माइनस हाफ ए वेक्टर क्या होगा मेरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरा, हाफ टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, इसीलिए मैंने इसका जो लेंथ बनाया वो हाफ बनाया है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है और हमें प्लॉट करना है 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों बताओ इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी 2 टाइम्स होगी, क्लियर है। एंड डायरेक्शन सेम होगी कि ऑपोजिट, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी क्योंकि लैम्डा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी वैक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छे से हो गया ना क्लियर कि आप किसी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, कि हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए के ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई मेरा वेक्टर किसकी फॉर्म में दे रखा है, अगर कोई मेरा वेक्टर आर की फॉर्म में दे रखा है ना, तो अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, आर कैप ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो हम लोग यूनिट वेक्टर के कैसे फाइंड करते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, तो इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग आगे बहुत ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप ये रिजल्ट लिख लो। देखो बच्चों मैं आपको एग्जांपल इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि जो आपका वेक्टर होता है ना उसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, मैंने ये आपको डिस्कस नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको मान लेता हूं कि आपको समझ आपको आता है ये कंपोनेंट वाला, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग आज ही पढ़ेंगे इसको कंपोनेंट फॉर्म में, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है कि 2i कैप + 3j कैप, हमारा वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। सो बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, पता है ना आपको, ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि 2² + 3² ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। सो बच्चों 1 अपॉन अंडर द रूट 2² + 4 + 9 = 13 इनटू ए कैप, ए वेक्टर कितना है मेरा 2i कैप + 3j कैप। सो बच्चों ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है ना, ये ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नया वेक्टर निकल गया है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, आया समझ में। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आपको ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि ए कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? हाँ, हो गया बच्चों यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब कंपोनेंट्स का। इट्स ऑलरेडी 24 मिनट्स नाउ। टाइम बहुत लग रहा है वीडियो में।
क्योंकि मैं रिपीट बहुत करता हूँ ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूंगा वही जो मैंने बताया था ना आपको कि 2i कैप + 3j कैप इस फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चों देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। सो बच्चों देखिए कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो बच्चों इसमें हम लोग यूज करते हैं तीन चीजों का, आई कैप, जे कैप एंड के कैप का। बता दूं मैं आपको आई कैप क्या है, आई कैप इज यूनिट वैक्टर, आई कैप इज यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। आई कैप इज यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। यूनिट वैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपका आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना कि जे कैप क्या है। सो बच्चों जे कैप है अपना वही कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 ही होगा। अब बच्चों के कैप, तो के कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा हमारा, ये 1 ही होगा। सो ये है हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप और ये है हमारा के कैप, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि मेरा कोई पॉइंट यहां पे है, मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। मेरा कोई पॉइंट क्या है यहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है आपका पॉइंट, तो इसमें जीरो क्या होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की बात करता हूं, तो बच्चों अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे वाई जीरो होता है आपका, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो होंगे, है ना। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं ओपी वैक्टर, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो आपका पी पॉइंट है ना, तो O से P से ज्वाइन होने वाला जो हमारा वेक्टर बन रहा है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर बन रहा है, उसको मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। आई एम नाउ राइटिंग OP वेक्टर। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी जो मेरा वेक्टर होता है ना, कोई भी जो मेरा वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती है, फर्स्ट है उसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड है उसका डायरेक्शन। तो बच्चों मुझे बताओ कि जो हमारा ये ओपी वेक्टर है, जो हमारा ये ओपी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स, है ना, और इसका डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन है इसका आई कैप। अरे आई कैप है कि नहीं है, क्योंकि मैंने क्या माना है कि जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है ना वो कितना है अपना, आई कैप है, ठीक है। तो बच्चों फिर जो मेरा ओपी वेक्टर है वो क्या बन के आएगा, एक्स इंटू आई कैप आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, समझ आ गया। ये मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। ऐसे ही मान लीजिए कोई मेरा पॉइंट है यहां पे वाई एक्सिस के ऊपर क्यू, तो बच्चों इस बार जो हमारा ओ क्यू वैक्टर होगा उसको मैं क्या लिखूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है वाई इंटू डायरेक्शन कौन सा है, तो बच्चों इसका डायरेक्शन है जे कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे यहां पे कोई आर है तो उसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं, जीरो जीरो जेड होंगे ना, और यहाँ पे क्या होंगे आपके
जीरो वाई कोमा जीरो होंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही मुझे लिखना है कि ओ आर ये लिखना है, तो ये क्या होगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू जेड इन टू के कैप, ठीक है। आया समझ में क्या कर रहा हूं मैं, ये अपना मैग्नीट्यूड हो गया और ये अपना डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो बच्चों ये ओपी फाइंड कर लिया मैंने, ओक्यू फाइंड कर लिया और ये मैंने ओ आर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरा पॉइंट है यहां पे P डैश, ठीक है, जो आपका X और Y एक्सिस में है, ठीक है, वो जो आपका X और Y प्लेन है उसके अंदर हमारा कोई पॉइंट है P डैश। तो बच्चों कंपोनेंट इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई कोमा जीरो यही तो होंगे, है ना। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, पहले बार समझ गए होंगे ना आप लोग। ठीक है, इस बार हमारा पॉइंट क्या है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड क्या होगा इसका, जीरो होगा ना, क्लास इलेवेंथ कोऑर्डिनेट, सॉरी थ्री डी वाला, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे लिखना है ओपी वेक्टर, ये लिखना है मुझे, तो ये क्या होगा हमारा, देखिए ये क्या होगा कि x एक्सिस अगर मैं इस पॉइंट का लिखूं तो ये क्या है हमारा, ये अपना x होगा ना, और ये कितना है हमारा, ये y होगा। तो बच्चों मैं लिखूंगा देखिए x इंटू आई कैप दैट इज मैग्नीट्यूड इंटू इसका डायरेक्शन, फिर यहां पे मैं प्लस लगाऊंगा प्लस y इंटू जे कैप, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, ओ पी डैश लिख दिया, इज दैट क्लियर, आया समझ कुछ कुछ। ऐसे ही बच्चों अगर कोई मेरा यहाँ पे होता कि x z प्लेन में होता, है ना, अगर कोई मेरा x z प्लेन में होता तो फिर मैं क्या लिखता, फिर अगर मेरा कोई x z प्लेन में होता तो क्या लिखता मैं, तो फिर मेरा बन जाता ये x i कैप प्लस z k कैप, आया समझ में। ऐसे ही बताओ कि कोई अगर मेरा y z प्लेन में होता तो मैं उसको क्या लिखता, फिर उसको मैं लिखता फिर y z कैप प्लस z k कैप, लिखता ना ऐसे ही, आ गया समझ में, आ गया मैं क्या लिख रहा हूं। और बच्चों यही हमारा क्या है, कंपोनेंट फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर की क्या है, ये कंपोनेंट फॉर्म है, वेक्टर्स की क्या है, ये कंपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है मेरा, एक वेक्टर था ना ओपी वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने किस में लिखा हुआ है, कंपोनेंट में लिखा हुआ है। कंपोनेंट में लिखने का मतलब है कि उसको आप अलग अलग करके लिखो, जैसे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये क्या होता है आपका कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। थ्योरी समझ नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है, आप बस ये ध्यान रख लो कि अगर कोई मेरा एक्स वाई प्लेन में होगा तो मैं उसको कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखूं उस वेक्टर का, अगर मेरा कोई वाई जेड प्लेन में है तो उस वेक्टर को मैं कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो आपको मैंने यहां पर बता दिया है कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखना ना मुझे, तो वेक्टर का मतलब बच्चों उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, उसमें हमारा डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मेरा कोई वेक्टर है जैसे कि एक्स वाई प्लेन में है, तो वहां पे अपना जेड जीरो होगा ना, तो बच्चों इसका मतलब हमारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड तो एक्स आया है और एक मैग्नीट्यूड हमारा वाई आया है। अब बच्चों एक्स की डायरेक्शन क्या है, एक्स आपका किस डायरेक्शन में है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो आई की डायरेक्शन में ना, आई कैप में, और ये वाई वाला किस डायरेक्शन में, आपका ये जे कैप की डायरेक्शन में है, तो इनको फिर मैंने एड कर देना और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर कोई मेरा वेक्टर, अगर कोई मेरा पॉइंट P है, लेट्स सपोज x कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, हमारा कोई पॉइंट P है x कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, और अगर मुझे लिखना है अब इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, ठीक है, हमारे पास कोई पॉइंट P है x कोमा वाई कोमा जेड, इसका मैं क्या लिख रहा हूं अब, पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा वो लिखूंगा x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप, इसको आप ध्यान रख लो, ठीक है। और ये क्या है हमारा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेफरेंस ओ, ठीक है।
आ गया समझ में कि अगर कोई मेरा पॉइंट पी है ठीक है तो उसका मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ओ, मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बच्चों ये जो आपकी फॉर्म आई है ना, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, सो दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म, इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वाली जो फॉर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। तो बच्चों आपके जो वेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखे रहते हैं। ठीक है, आपके जो वेक्टर्स है वो कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखे रहते हैं। अब बच्चों मैं बात करूंगा कि जो हमारा कंपोनेंट फॉर्म है ना, जो हमारा कंपोनेंट फॉर्म है, इसमें स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, रिवाइज करवाऊं, ये अपना ओपी वेक्टर क्या है, देखो ओपी वेक्टर सोचो, आंखें बंद करके सोचो, ओपी वेक्टर क्या है मेरा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विथ रेफरेंस टू ओ, विथ रेफरेंस टू ओ। ठीक है, तो ये वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूं और यही हमारा क्या है, कंपोनेंट फॉर्म है। तो बच्चों इसमें जो हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप है ना, इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स। नोट कर लो, ये जो हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, उसको आप ओपी वेक्टर भी लिखो सकते हो या फिर उसको आर वेक्टर भी लिख सकते हो। तो बच्चों जो हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सेस, अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सेस। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स आई कैप बताऊं, सो एक्स आई कैप क्या है हमारा, दिस इज ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग, अलोंग बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा क्या है आई कैप, एंड आई कैप क्या होता है हमारा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देयरफॉर बच्चों जो हमारा एक्स आई कैप होगा वो क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फर्दर अगर मैं वाई जे कैप लिखूं, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड जे कैप इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। क्लियर हो गया, याद क्या रखना है आपको, ये मेरा क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म होता है किसी भी वेक्टर का। इसमें हमारा एक्स आई कैप क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। अब बच्चों इसमें जो हमारे एक्स वाई जेड है ना, उसके लिए भी हमने एक नाम दे रखा है। एक्स वाई जेड क्या है जरा उनको भी देखते हैं। सो एक्स वाई जेड, x को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये क्या है, हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ये क्या थे हमारे, बोलो सोचो, ये क्या थे हमारे, ये तीनों हमारे क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। एंड एक्स वाई जेड क्या है, हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ। सो बच्चों एक्स वाई जेड हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड जे कैप, ये हमारे क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं किसी भी वेक्टर के। ठीक है, और जो हमें जो वेक्टर दे रखा हुआ है ना, वो इसी फॉर्म में दे रखा हुआ, कंपोनेंट फॉर्म में ही हमें दे रखा हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सो बच्चों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा वेक्टर है ना, उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है ना, कि मेरा कोई वेक्टर है उसका लेंथ कितना होगा। सो बच्चों लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर और आर वेक्टर,
ओपी वेक्टर को हम लोग पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर से भी शो करते हैं। सो बच्चों ये कितना होगा, आपको पता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास कोई कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड पता है ना, कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है ना बच्चों? सो दिस इज ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ये कहां से आया, ये इतना जरूरी नहीं है कहां से आया बच्चों, ये इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है दो बार, ठीक है, तो वहां से निकल के आपका ये इजीली आ जाएगा। कैसे देख लो अगर आप चाहते हो तो, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो बच्चों हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये कितना होगा हमारा, ये होता है अपना वाई और ये हमारा क्या होगा एक्स होगा ना, आया समझ में, यही होगा। अब देखो ये एक्स है और ये वाई है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ऐसे ही बच्चों जेड एक्सिस का भी ले लो, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा, ये वाली आपकी यहां से ऐसे बन के आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखना है। सो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंपोनेंट फॉर्म इसका ये होता है, ये हमारा एक्स वाई जेड हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप हमारे क्या हैं वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, और अगर हमें उस उसका लेंथ निकालना है वेक्टर का या फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो हम निकालते हैं अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें उसका निकालते हैं, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं, कुछ आपकी खुशी के लिए मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कि कोई हमारा ए वेक्टर है जिसको शो कर रखा है कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो बच्चों फटाफट बताओ कि यहाँ पे जो ए वन ए टू ए थ्री क्या है मेरे, ये है बच्चों मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। अब बच्चों बोलो कि ए वन आई कैप क्या है मेरा, ए टू जे कैप क्या है मेरा, ए थ्री के कैप क्या है। सो बच्चों दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ये क्या है मेरा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, आ गया होगा समझ। अब बच्चों अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइन करना है या फिर मुझे इस वेक्टर का लेंथ फाइन करना है, तो मैं कैसे फाइन करूंगा कि बच्चों ये होगा हमारा अंडर द रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, ठीक है, हो गया पूरा समराइज। चलिए अच्छे से हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई मेरे वैक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, है ना, इफ द वैक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, तो हम उसका एडिशन कैसे करेंगे, हम उसका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, एंड उसमें फिर हम लोग किसी भी एक स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, यार आ रहा है ना समझ। सो बच्चों लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, हमें वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में ही दे रखे होते हैं मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ्स में जो हमें वेक्टर दे रखे होते हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में ही हमें मिलेंगे, ठीक है। सो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड करना है जरा देखते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग सम कैसे करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं द सम, और दूसरा नाम क्या है इसका, रिजल्टेंट, सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं कैसे लिखूंगा कि सम कैसे लिखूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखूंगा ना, ठीक है। सो क्या लिख दूंगा मैं, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप प्लस बी वन आई कैप प्लस
बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक है, अब आप क्या करो कि जो आई कैप वाले हैं ना उनको एक साथ में लिख दो, जे कैप वालों को आप एक साथ में लिख दो, और के कैप वालों को आप एक साथ में लिख दो। इट मीन्स ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। ऐसे हमें सम फाइंड करना है अगर मुझे वेक्टर्स क्या हो, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो। आ गया समझ? अगर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो ऐसे मैं सम फाइंड करूंगा। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए हमारे ए वेक्टर दे रखा है कि आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। ठीक है, और बच्चों हमें बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड माइनस का फाइव के कैप, और हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम। सो बच्चों क्या करना है आपको, सिंपली देखिए आई कैप वालों को साथ में रखो, जे कैप वालों को साथ में, और के कैप वालों को साथ में। ठीक है, और उनके जो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना उनको आप अलजेब्रिकली ऐड कर दो। ठीक है, यही तो कर रहा हूं मैं। देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मैं अलजेब्रिकली ऐड कर रहा हूं। आई कैप के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको मैं एक साथ में ऐड कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। सो बच्चों यहाँ पे आई कैप के आगे क्या होगा, वन होगा। सो वन माइनस वन इंटू आई कैप, डायरेक्ट लिखना सीखो। देखिए यहाँ पे वन है, हमें क्या करना है, प्लस करना है ना। सो वन प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा। फिर टू, यहाँ पे टू है और यहाँ क्या है हमारा थ्री। सो बच्चों प्लस थ्री जे कैप, फिर प्लस यहाँ पे क्या है हमारा माइनस थ्री। सो बच्चों माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव के कैप। आ गया ना समझ में, क्या किया मैंने, मैंने यही वाला इसमें यूज किया है। सो बच्चों वन माइनस वन टू प्लस थ्री जे कैप, और देखो यहाँ पे प्लस लगाया मैंने एंड ये माइनस थ्री, और ये आपका प्लस के बीच में प्लस लगेगा, फिर माइनस फाइव, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का फाइव हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस फाइव यही रख दिया। सो बच्चों क्या निकल के आया मेरा, ये तो जीरो बन गया। सो जीरो आई कैप प्लस फाइव जे कैप एंड माइनस एट के कैप, तो ये इन दोनों का सम ऐसे निकल के आएगा। ठीक, समझ गए सम कैसे करना है हमें, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सम हमें कैसे करना है, समझ गए ना। चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, अभी अभी बस ओनली थ्योरी वाला पोर्शंस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड चीज की, अगर हमें डिफरेंस निकालना है, सेकंड अगर हमें डिफरेंस निकालना है मतलब ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर निकालना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपली ए वन माइनस ए टू आई कैप प्लस सॉरी ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप। वही बात है, प्लस किसे क्या आ गया मेरा, माइनस आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब थर्ड चीजें हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, कि दो कोई भी वेक्टर्स मेरे इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे बच्चों ध्यान रखना कि आई कैप के जो आगे वाला है वो दोनों का सेम हो, जे कैप का जो आगे वाला है वो दोनों का सेम हो। अगर मैं बोलूं सिंपली बोलूं तो क्या होगा कि दो वेक्टर्स आपके इक्वल तभी होंगे जब उनके रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, इक्वल है ना। इसका मतलब कि यहां से जो आपका ए वन है वो वहां से बी वन के इक्वल होना चाहिए, जो ए टू है वो आपका बी टू के इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा ए थ्री है वो बी थ्री के इक्वल होना चाहिए, तभी मेरे कोई दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है ना। सो बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए वन इक्वल्स टू बी वन, ए टू इक्वल्स टू बी टू एंड ए थ्री इक्वल्स टू बी थ्री। समझ आ गया यहां तक। चलिए फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, लेट मी जस्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
वेक्टर ए वेक्टर विथ स्केलर लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने बताया था ना कि आप मल्टीप्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखिए कैसे लिखोगे, लैम्डा इंटू ए वैक्टर ऐसे लिखोगे ना। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा, लैम्डा इंटू ए वैक्टर क्या है अपना, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बच्चों जो आपका लैम्डा है ना वो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स लैम्डा इंटू ए वन आई कैप प्लस लैम्डा इंटू ए टू जे कैप प्लस लैम्डा इंटू ए थ्री के कैप, आ गया समझ में। एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए एक, कि मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है बच्चों माइनस का टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप एंड माइनस का फोर के कैप, इज दैट क्लियर। नाउ हमें फाइंड करना है अगर माइनस फोर ए वैक्टर, ठीक है। सो बच्चों मैं क्या करूंगा, जो हमारा माइनस फोर है ना इसको मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मीन्स पहले क्या बनेगा, माइनस फोर इंटू माइनस टू आई कैप, फिर प्लस माइनस टू इंटू थ्री जे कैप, देन बच्चों प्लस माइनस टू इंटू माइनस फोर के कैप। अब इनको ऐड कर दो, सो एट आई कैप माइनस सिक्स जे कैप, सॉरी फोर है ना यहाँ पे, यस फोर, और ये भी हमारा फोर है। सो बच्चों ये माइनस ट्वेल्व जे कैप एंड दिस विल बी प्लस सिक्सटीन के कैप, आ गया समझ में। क्या करना है आपको, सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, वो स्केलर को आपको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो बच्चों ये हमारे चार पॉइंट थे, ये हमारे चार पॉइंट थे कि कंपोनेंट फॉर्म में अगर मुझे वेक्टर दे रखा है तो उसका हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, और कोई दो वेक्टर आपके इक्वल कब होंगे, एंड चौथा चीज हमने देखा कि उसको अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों कुछ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आते हैं, नाउ वी हैव सम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। सो फर्स्ट लॉ है अपना कि मेरे पास कोई ऐसा है कि देखिए के ए वेक्टर प्लस एल ए वेक्टर, ठीक है। अगर मेरा कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, के और एल क्या है हमारे, मान लो के एंड एल आर स्केलर्स, के एंड एल आर स्केलर्स, तो बच्चों आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखिए के प्लस एल इंटू ए वेक्टर, ठीक है ना। आप के और एल को एक साथ में लिख सकते हो। सेकेंड चीज कि अगर हमें दे रखा है कि k इंटू एम ए वैक्टर, और m भी हमारा क्या है, स्केलर ही है, तो बच्चों इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, दिस इज इक्वल टू के एम इंटू ए वैक्टर। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड, इसको याद ही नहीं रखना, आप ऑटोमेटिकली करोगे तो, है ना, क्योंकि स्केलर्स है ना आप, तो इसमें स्केलर वाले लॉज लग जाएंगे आपके सारे। थर्ड कि अगर कोई ऐसा है कि k इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो बताओ सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो बच्चों क्या बनेगा मेरा, k a वैक्टर प्लस k b वैक्टर, ठीक है। कुछ याद करने वाला है इसमें, नहीं था। तो ये हमने क्या देख लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देख लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो कंपोनेंट फॉर्म वाला इंपॉर्टेंट था, याद है ना, कंपोनेंट फॉर्म वाला इंपॉर्टेंट था। फिर हमने जो चार पॉइंट लिखे थे ना वो वाले इंपॉर्टेंट थे कि हम उसका एडिशन कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, और बच्चों एक वो वाला यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ रिजल्ट्स और डिराइव करते हैं। हाँ ये रिजल्ट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखता हूं आपको याद है कि नहीं। या फिर देखिए अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर दे रखा है ऐसे कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, अब देखो बच्चों देखो बोलो फटाफट, ए वन ए टू ए थ्री क्या है मेरे, फटाफट सोचो, ए वन ए टू ए थ्री क्या है मेरे,
आप बोलोगे सर आज आपने पढ़ाया कि ये क्या है मेरे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ होते हैं, मैंने मान लिया, यह सही है आपकी बात। ये क्या है आपके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑफ ए वेक्टर के, ठीक है। बट बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में इनको कुछ और नाम भी दिया था, याद है क्या थे, क्या दिया था, जहां मैंने आपको बताया था ना कि आपका डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों वहां मैंने बताया था कि जो आपके ये आगे लिखे रहते हैं ना A1, A2, A3, ये क्या होते हैं मेरे, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों मान लो कि हमें कोई वेक्टर दे रखा है कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपसे ये पूछ ले कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके, 2, -3 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बच्चों अगर वो आपसे ये जो आगे लिखा रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो बच्चों जो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब बच्चों अगर वो आपसे क्या पूछ ले, अगर वो आपसे पूछ ले कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो आई थिंक आप लोग याद है कि भूल गए, पता है ना डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं मेरे, L, M और N आर द डायरेक्शन कोसाइंस। और बच्चों मैंने ये बताया था कि जो आपका L होता है वो कैसे लिखोगे आप, कि L इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे भूल गए क्या, भूल गए, क्या बताया था मैंने कि L क्या होगा मेरा, X अपॉन R, M क्या बताया था मैंने, Y अपॉन R, N क्या था मेरा, Z अपॉन R, और R क्या होता है मेरा, R इज मैग्नीट्यूड। तो आप R को ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। और यहां पे क्या है हमारे एक्स वाई जेड की जगह क्या है, A1, A2, A3, तो बच्चों फिर क्या बन जाएगा मेरा डायरेक्शन कोसाइंस, A1 डिवाइडेड बाय इसका, A1 डिवाइडेड बाय इसका क्या, मैग्नीट्यूड। फिर M कैसे लिखूंगा मैं, M होगा मेरा ये A2 डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही मेरा N क्या होगा, A3 डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। आया समझ में, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना यहां तक दिक्कत, चलिए आगे देखो फिर। सो बच्चों मैंने बता दिया आपको डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, हम लोग किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं, तो जो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। फिर मैंने बता दिया कि आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखोगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया ऐसा ऐसा करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, देखता हूं मैं क्या लिखा हुआ आगे, यस कभी कभी बाइंड से निकल जाता है। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, अगर मुझे इस वेक्टर का क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ए कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही होगा ना। चलो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर,
ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड। डिवाइड में क्या ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है ना। अब बच्चों क्या मैं इनको सेपरेट करके लिख दूं कि ए वन अपॉन अंडर द रूट, हाँ यस। डिवाइड में क्या लिखा हुआ बच्चों, डिवाइड में ये मेरा मैग्नीट्यूड तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूं, तो सेपरेट करने का मतलब यही होगा, आई कैप प्लस ए टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू जे कैप प्लस ए थ्री इंटू के कैप। अरे बच्चों यही है ना, क्या किया मैंने, अगर मुझे इसका वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो क्या होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो बच्चों दिस इज आवर ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे आप, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अब इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, क्या ये एल नहीं है, एल है ना ये। सो बच्चों एल आई कैप प्लस ये क्या है मेरा, दिस इज एम, सो एम जे कैप प्लस एन के कैप, आ रहा है समझ में, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो बच्चों था कैसे, कैसे पूछता ये देखिए कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये क्या निकल के आया मेरा, ये क्या है बोलो बोलो, ये क्या है मेरा, दिस इज यूनिट वेक्टर है ना, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, आ गया समझ में, आ गया ना, ये क्या था मेरा, ये क्या है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर, ठीक है। तो अब आप एक पॉइंट नोट कर लो, यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, देन एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अच्छा इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। अरे फर्स्ट या सेकंड वीडियो मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था, मैं फिर से नहीं बता रहा। तो बच्चों एल हमारा कोस अल्फा के भी इक्वल होता है ना, अरे समझ आ रहा है ना, एम हमारा कोस बीटा। अरे बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मेरा कोस कंपोनेंट ऑफ कोस ऑफ जो मेरे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। तो बच्चों इसी को तो हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग एम बोलते हैं, इसको हम लोग एन बोलते हैं ना, तो वही तो मतलब लिखा मैंने, ठीक है। तो बच्चों इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, देन एल आई कैप प्लस दिस या फिर दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज ए यूनिट वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, आ गया समझ में। तो ये सेकंड पॉइंट है, तो ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया हमारा, कि बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, आर कोलीनियर, ठीक है। ये वेक्टर्स क्या होते हैं आपके, कोलीनियर होते हैं ना हमेशा। सो बच्चों अगर कोई मेरे दो वेक्टर्स हैं, इफ दैट इज ए वेक्टर एंड, कोई मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर, कोई भी दो वेक्टर आपके कोलिनियर कब होंगे, यही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सो इफ ए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ
इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट डाल लो, ठीक है, यहाँ पे भी यूज होगा। अगला चैप्टर जो आपका 3D वाला है उसमें भी ये यूज होगा कि बच्चों कोई भी आपके दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर कब होंगे, क्या होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, ठीक है, तो आप कौन सा ही मान के चलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर कब होंगे, जब वो दोनों, उन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं फॉर सम, फॉर सम नॉन जीरो स्केलर, फॉर सम नॉन जीरो स्केलर, आ गया समझ में, आ गया कि देखो मान लीजिए कि हमें कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कि ए वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड जो हमारा बी वेक्टर है वो हमें दे रखा है टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस बच्चों टू के कैप। तो आप देखते ही साथ ये पता कर दोगे कि दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, मेरे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ए वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आ गया समझ में, यस। तो चलिए फिर थोड़ा और देखते हैं कि दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर कब होंगे, जब उनको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं फॉर सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड हमारे पास बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, इज दैट क्लियर? नाउ दीज टू वेक्टर्स, दीज टू आर कोलिनियर, दीज टू आर कोलिनियर इफ b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। नाउ बच्चों वैल्यूज पुट कर दो, सो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a वेक्टर, क्या हो जाएगा लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। अब मैंने बताया था कि कोई भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल कब होते हैं, जब उनका जो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो इक्वल हो, दैट मींस बी वन विल बी इक्वल टू लैम्डा ए वन, बी टू विल बी इक्वल टू लैम्डा ए टू, एंड बच्चों बी थ्री इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए थ्री, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करूं तो बी वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू बी टू अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी थ्री अपॉन ए थ्री इक्वल्स टू लैम्डा, इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये चेक कर लो कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें आपके जो दो वेक्टर्स हैं उसमें ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि देखिए एग्जांपल लेता हूं आपके लिए मैं, कि ए वेक्टर ले रहा हूं मैं फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस नाइन के कैप, बी वेक्टर ले रहा हूं मैं कि 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 18k कैप। तो बच्चों आप सिंपली ये देखो कि 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 कितना आ रहा है मेरा 2, 6 अपॉन 3 कितना आ रहा है ये भी हमारा 2, एंड 18 अपॉन 9 ये भी हमारा 2 आ रहा है ना। तो जब मैंने इनको डिवाइड किया ना तो हमारे पास एक स्केलर आ रहा है 2, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैक्टर्स कैसे हैं, मेरे कोलिनियर वैक्टर्स हैं। अब बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख दूँ 27, अब इनको डिवाइड करो, अब आप बनाओ कि a1 वन बाई ए टू कितना हो रहा है, देखो बच्चों a1 वन बाई ए टू हो रहा है मेरा हाफ, नाउ b1 वन बाई बी टू कितना हो रहा है मेरा b1 वन बाई बी टू इज ऑल्सो हाफ, बट c1 वन बाई सी टू कितना हो रहा है मेरा 1 बाई थ्री। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि a1 वन बाई ए टू इज इक्वल टू b1 वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू c1 वन बाई सी टू, देयर फोर नॉट कोलिनियर, ठीक है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स हैं आपके कोलिनियर नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि ये क्या ये रिजल्ट आपका फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 27 कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा माइनस का 1 बाई थ्री,
तो फिर भी आपका इक्वल नहीं हो रहा ना, तो ये वेक्टर्स आपके कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों ऐसे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि कोई मेरे दो वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। सो बच्चों ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, सब छोटा सा एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं ताकि हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। सो हेडिंग डाल लीजिए कि द वेक्टर जॉइनिंग, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। सो बच्चों हमें गिवन है कि कोई दो वेक्टर, दो पॉइंट्स है हमारे पास, x1 y1 z1 p1 पॉइंट ही हो गया, और हमारा p2 पॉइंट क्या होता है, x2 y2 z2, ठीक है। हमें वेक्टर लिखना है जो इसको जॉइन करेगा, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। सो मान लीजिए ये हमारा p1 है और ये हमारा p2 है। सो बच्चों इन दोनों पॉइंट से जॉइन होने वाला जो हमारा वेक्टर बनेगा ना वो हमें लिखना है। तो ये जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, सो बच्चों इसका जो हमारा वेक्टर बनेगा ना P1 P2 वेक्टर, सो बच्चों ये होगा हमारा X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। ये हमारा क्या होगा, वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। याद क्या रखना है आपको, ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे हमारा फाइनल क्या है, P2 है ना। तो बच्चों हमारा इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है। और यही अगर मुझे इसमें लिखना होता P2 P1, तो फिर मैं क्या लिखता, X1 माइनस X2 I कैप प्लस Y1 माइनस Y2 J कैप प्लस Z1 माइनस Z2 K कैप। ठीक है, आ गया समझ में। ध्यान क्या रखना है कि मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, या फाइनल पॉइंट हमारा P2 है ना, या फाइनल पॉइंट हमारा P2 है। तो बच्चों आप लिखोगे X2 माइनस X1, और यहां हमारा फाइनल पॉइंट क्या है P1, तो मैं लिखूंगा X1 माइनस X2, ठीक है। हाँ इसका आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। तो प्रूफ की बात करें, हाँ सो बच्चों अगर मैंने P2 P1 लिखा है ना, तो उसका डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो बच्चों अगर देखो ये तो हमने क्या लिख दिया, वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स हो गया, ठीक है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जॉइन करके जो हमारा वेक्टर बनता है वो कैसे लिखा जाता है, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेता हूँ कि इसका जो वेक्टर बन रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कि जो हमारा P1 P2 वेक्टर बना है ना उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सेम वही बात है कि जो मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका मुझे स्क्वायर करना है, दैट मीन्स X2 माइनस X1 का स्क्वायर, फिर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, प्लस बच्चों Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 वेक्टर। अब इसका प्रूफ जरा देख लेते हैं। सो बच्चों प्रूफ के लिए मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है। सो इस साइड हमारा डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप होता है, एंड इस साइड हमारा डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप होता है। तो बच्चों मान लो ये हमारा पॉइंट P2 है, X2 Y2 एंड Z2, एंड ये हमारा पॉइंट P1 है, X1 Y1 एंड Z1, ठीक है। चलिए अब हमें पता करना है ये P1 P2 कैप क्या होगा, दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस।
सो बच्चों ये हमारा ओ पॉइंट होता है, तो मैं क्या करूंगा, ओपी वन वैक्टर, एक वैक्टर तो ये हो गया हमारा पोजिशन वैक्टर। क्या किया मैंने, मैंने पी वन का पोजिशन वैक्टर लिखा है। अब बच्चों फिर देखो कि पी टू का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, ये हमारा क्या है, पी टू का पोजिशन वैक्टर है। दैट मीन्स दिस इज ओ पी वन वैक्टर एंड दिस इज ओ पी टू वैक्टर, ठीक है। अब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, बोले तो नहीं हो कि ओ पी वन वैक्टर प्लस पी वन पी टू वैक्टर क्या होगा बच्चों, कि ओ पी वन वैक्टर प्लस पी वन पी टू वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी टू वैक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यही तो होता है, अगर मेरे दो वैक्टर्स ऐसे हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कहाँ से होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड से, और यही हमारा ओ पी टू वैक्टर बनेगा। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो पी वन पी टू वैक्टर चाहिए ना, सो दिस विल बी इक्वल टू ओ पी टू वैक्टर माइनस ओ पी वन वैक्टर, इज दैट क्लियर। नाउ वॉट इज ओ पी टू, ये क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट, तो इसका पोजिशन वैक्टर क्या होगा, यही तो होगा मेरा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, यही तो होगा ना पोजिशन वैक्टर ऑफ पी टू। अब बच्चों पोजिशन वैक्टर लिखना है मुझे पी वन का, सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। अब किन्हीं भी दो को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पता है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन के कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। सो बच्चों हमने देख लिया कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम लोग वेक्टर कैसे, उसका वेक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये उसका मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, इज दैट क्लियर। सो बच्चों ये हमारा आज का इतना ही काफी है, वीडियो लंबा बन रहा है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर करेंगे डिस्कस, काफी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी है ना अब तक उसके हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। सो बच्चों वो आरबीसी वाला याद है ना आपको, लाइव क्लास उसके लिए। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।